हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द व्लॉग। मैं घर पे आया हूँ जामनेर को। तो इधर दो तीन दिन से व्लॉग नहीं डाल सका क्योंकि मैं आ गया था, उसके दो दिन बाद इधर तूफान हुआ। तूफान मतलब जोर से हवा वगैरह बारिश हुई थी, उसमें 15 मिनट का ही हुआ, उसमें पूरा तार वगैरह टूट गए थे पूरे गाँव के। तो इधर दो तीन दिन लाइन कट थी, तो अपना मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था अच्छे से, तो इसलिए व्लॉग नहीं कर पाया। अभी अभी मैं 8:30 बज चुके हैं, तो वर्कआउट वगैरह हो चुका है मेरा। और वैसे घर के सारे लोग गांव को गए, दूसरे रिलेटिव्स में शादी है तो उसको अटेंड करने के लिए गए सब। मैं अकेला हूँ घर पे, तो मतलब मल्लार भी अपना अपने साथ, फ्रेश वगैरह होके करेंगे लॉगिन। और अपना घर का गीज़र भी ख़राब हो गया है, तो गर्म पानी करने के लिए ऐसा जुगाड़ करना पड़ रहा है। पानी गर्म होता है तब तक मल्लार को दिखाता हूँ मैं आपको। और ये अपने साथ, ये इसका नींद नहीं कंप्लीट हुआ है अभी भाई, दिन भर भी रात भर भी सोता है, अच्छे से नींद कर कंप्लीट करता है उसकी। मल्लार देख रहा है, तो उठने के बाद और दिखाऊंगा इसको। ये अभी मूड में नहीं है, पूरा नींद में है। मैं फ्रेश होता हूँ, प्लान में थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि अभी 8:30 ही हुए हैं, तो अपने पास 1.5 घंटा है। तो तब तक हम अपना रूम साफ कर लेते हैं, तो दिखाता हूँ मैं उसका हाल कैसा हुआ है, तो उसको क्लीन कर देंगे, बाद में फ्रेश होंगे। तो तब तक हम गैस बंद कर देते हैं और ये रूम का हाल है। अरे भाई उठ गए, मल्लार भाई सीधे इस पे आए रूम में आए, तो ये ऐसा कुछ है रूम, तो इसको एक घंटा लगेगा, इसको साफ कर देता मैं तब तक। और इसका देख लो, है मल्लार, है मल्लार, ये अभी खेलने के मूड में है क्योंकि अभी अभी उठा है। उठने के बाद ये इसका मूड ज़रा फ्रेश रहता है, सबकी तरह मतलब आईटी वालों की तरह नहीं, आईटी वालों का जैसा फ्राइडे की मॉर्निंग रहता है वैसा इसका हर रोज़ रहता है। तो क्लीन करता मैं, क्लीन जस्ट 1 मिनट पहले मैंने मल्लार को यहाँ से नीचे उतारा और वो इधर से डायरेक्ट इधर आके सो गया। तो इसका एक ही काम है, खेलो सो जाओ, खेलो खाओ सो जाओ, अपने जैसा नहीं है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मैं भी रेडी हो चुका हूँ और रूम भी रेडी हो गया, तो रूम वगैरह साफ करके अभी 9:35 हो गए, तो मेरा वर्किंग आवर स्टार्ट होने वाला है। अभी लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन का टाइम फिक्स रहता है। 8 hours later, तो अभी टाइम हो रहा है 4:30, आज का काम वगैरह हो गया है, अपनी गाड़ी भी घर पर है, तो घूम के आते हैं, थोड़ा आपको दिखाता मैं, और तूफान ने क्या क्या मचा है वो भी दिखेगा, तो वो भी दिखाऊँगा। इधर हेलमेट नहीं है फिर भी अपन ने ऐसा जुगाड़ किया है कैमरे का, देखते हैं उसमें बैटरी जितना होगा उतना दिखाऊंगा मैं। तो निकलते हैं, कैमरा सेट है। तो आज अपने पास फुल टाइम है, तो एक शॉर्ट राइड लेके आएंगे हम गांव में से। और बहुत सारे लड़के मुझे उधर मैसूर पुणे को पूछते हैं कि ऐसी गाड़ी वगैरह क्यों कैसे कहाँ से सीखा, तो आज आपको पता चल जाएगा इधर के रास्ते टर्न वगैरह से मैं कहाँ से सीखा गाड़ी, तो मतलब वो ऐसी गाड़ी चलाना कहाँ से सीखा। ये अब तक ठीक है, लेकिन आगे इधर एक स्पीड ब्रेकर है, उसे देखकर मुझे पुणे के स्पीड ब्रेकर की याद आती है कि इधर बार बार मतलब कितनी अच्छी घर से निकालता गाड़ी, लेकिन यहाँ पे पूरा धीरे करना पड़ता है, दो दो स्पीड ब्रेकर इधर, और एक और ये बड़े बड़े है, सभी नहीं कि छोटे स्पीड ब्रेकर, एक स्पीड थोड़ा कम ज़्यादा चलता, पूरा स्लो करना पड़ता गाड़ी। भाई ने लगता है कैमरा देखकर गाड़ी तेज चल रही थी, लेकिन रुक जाओ भाई थोड़ा आने दो हमको, और अभी अपनी गाड़ी का टेस्ट होगा, टर्न टेस्ट वगैरह। तो आप देख सकते इधर वो आंधी आई थी, तो पेड़ वगैरह सब उखड़ गए थे आजू बाजू के, अगर कैमरे में आ रहे तो देख लो, पूरा तबाही मचा दिया था,
15-20 मिनट की हवा ने देखो पूरे रास्ते भर चुके, पेड़ वगैरह सब गिरे हुए हैं। इधर कुछ तो बन रहा है, हम गए थे तब चालू था काम, अभी भी चालू है। तो इधर से 2-3 टर्न लेके हम मेन रोड पे लग जाएंगे। इस रोड पर चलने से ऐसा लगता है जैसे कि हम उधर वो F1 का जो रेसिंग ट्रैक रहता है ना वैसा ही धीरे धीरे आपको दिखेगा, मतलब जैसा दिखेगा उससे ज़्यादा मुझे चलाने में मज़ा आ रहा है इधर। और हर टाइम आता है, ऐसा नहीं कि मैं इधर का कॉमन हो गया है तो मुझे नहीं आता है, फेवरेट ट्रैक ये मेरा सबसे। और ये लग गया अपना मेन रोड, सीधा जलगांव को जाता है ये, और ये आगे डिपो है ST का। और अपनी गाड़ी इधर शाइन से बदल कर 250 बन जाती है, मतलब थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर को जाने के बाद भी अच्छा रास्ता है, इधर थोड़े गड्ढे वगैरह है। तो इधर से 2-3 मिनट कैमरा वाइब्रेट होगा क्योंकि मुझे भी फील हो रहा है डेफिनेटली कैमरा भी वाइब्रेट होगा, लेकिन सही लो थोड़ा क्योंकि अभी बहुत दिनों से मैंने गाड़ी इधर चलाई नहीं थी, तो बहुत दिनों बाद घर पे आया हूँ तो थोड़ा एक्सपीरियंस करता। इधर भी एक स्पीड ब्रेकर है, उधर भी स्लो होना पड़ेगा। ये 2-3 जगह है गाँव में कि उधर वो मुझे पसंद नहीं है, रोड पर पूरा स्लो होना पड़ता है, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा किया चलता, पूरा एकदम बीस के नीचे आना पड़ेगा। ये देखो ये आ गया वो, और यहाँ से आगे तो फेवरेट जगह है। इधर से खींचो कितना भी अपना ही है, मतलब इधर ट्रैफिक वगैरह भी कुछ नहीं रहती, इस समय नहीं रहती, शाम को मॉर्निंग को रहती है। यह मेरे लेफ्ट साइड का जो 3rd नंबर का टर्न है, यहाँ से उधर गौरव भाई के घर पे घर की तरफ जाता हूँ, ये टावर दिख रहा होगा आपको मेरे लेफ्ट साइड में, तो उधर से ही उसके घर पे तरफ जाते दिखा था मैं आपको। सीधा यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया तो लास्ट का घर है गौरव का। और इधर हम करीब करीब मतलब जो पुराना जामनेर था उसके बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी डबल आगे हो चुका है। ये ITI नहीं, ये MACB का है, MACB ऑफिस है और इसके आगे ITI, पूरा नया हो गया है, 6 महीने में बदल गया है सारा ये रोड। मतलब जब पुराना ये इतना जितना अभी दिख रहा है उस 4-व्हीलर से अपनी तरफ इतना ही था, आजू बाजू में 3X हो चुका है अभी। इधर सारे डिवाइडर वगैरह लग गए, ये क्लीन है पूरा, इधर से करो कुछ भी करो अपना ही है। ये बाजू में देख सकते हो पेड़ वगैरह कितने गिरे हुए थे। अब गाड़ी का स्पीड एंजॉय करो, हमें लेफ्ट जाना है, ऊपर जाएंगे थोड़ा। और इधर मेरे लेफ्ट में ये ITI का कंपाउंड है, और राइट में जो बिल्डिंग दिख रही है उधर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, स्कूल है बोरा सेंटर। तो इधर से तो देख लो मेरा जो टर्निंग का जो प्रैक्टिस है वो इधर ही हुआ है 7-8 स्टैंडर्ड से, मतलब इधर का गाड़ी चलाने का जो मज़ा है ना वो अपने इसमें भी नहीं आएगा, पुणे बैंगलोर हाईवे पे लिप के ले लो, जिसको एक्सपीरियंस करना है मेरे साथ आना एक बार मेरे गाँव को। और यहाँ से लेफ्ट की तरफ देखते जाओ मेरे कि उस दिन के मतलब ये पिलर है ना इलेक्ट्रिक पोल के, ये देखो अब यहाँ से स्लो करता थोड़ा, इलेक्ट्रिक के पोल देखो उखड़ के आए ऐसे ही, और जो उखड़े नहीं वो ऐसे प्लास्टिक के इसकी तरह बेंड है, ये देख सकते हो क्लियर दिख रहे होगा शायद आपको। ओ भाई ये आगे का देखो, और ये आगे का क्लियर पूरा 90 डिग्री। और ये आगे का आगे ऊपर ये मंदिर वगैरह है सब, पहले देख लो पोल ये, और एक और नीचे का देखिए तो टच हो गया डायरेक्ट ग्राउंड को।
क्या सब राइट में पूरा पार्किंग वगैरह है। कभी आएंगे, इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊँगा, लेकिन कभी आएंगे हम तब पूरा दिखाऊँगा। ये नीचे पार्किंग की तरफ एक चक्कर मार के आते हम, तो मतलब वीकेंड को ये पार्किंग वगैरह सब भरा हुआ रहता है। इधर सब गांव के लोग, कॉलेज के लड़के वगैरह चील मारने के लिए आते हैं वीकेंड्स को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गाड़ी का साइलेंसर ऐसा KTM जैसा आवाज़ कर रहा है? अगर आपको भी लग रहा है तो मुझे कमेंट में डाल दो। तो नीचे से एक राउंड मार के आएंगे। इधर मेरे लेफ्ट तरफ जो दिख रहा है आपको, ये बड़े हॉल जैसा, इधर बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल वगैरह है, मतलब शॉर्टली रिक्रिएशन सेंटर है। तो उधर जाएंगे, लेकिन अभी जाने का कोई पॉइंट नहीं, उधर सब बंद रहेगा क्योंकि तो दोपहर के मतलब शाम के 5 के आसपास टाइम हुआ है। तो रिटर्न चलते हैं हम। और इधर ये क्रिकेट का भी ये था नेट वगैरह, उधर नहीं दिखेगा शायद। तो इधर 2 मिनट रुकेंगे और सीधा जाएंगे घर को। पाँच छः साल बाद ये पेड़ वगैरह बड़े होने के बाद है ना, इधर का मतलब माहौल ही कुछ अलग रहेगा। तो रुक जाते हम। यहाँ पे आते सब शाम को वगैरह, सब हॉलीडे दिन सैटरडे संडे इधर आते सब लोग, लड़के लोग गाँव के। तो इधर मैं इसलिए आया क्योंकि उस दिन तूफान होने के 2 दिन बाद हम इधर आए थे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि खम्भे वगैरह कैसे, इतने बड़े बड़े पोल कैसे नीचे आए, तो वही दिखाने के लिए आया था। इधर ऊपर गार्डन वगैरह है, तो जो वीडियो है वो निकालूंगा कभी भी। अभी ज़्यादा धूप है और कोई मतलब अच्छा भी नहीं आएगा, तो आएंगे सैटरडे संडे आएंगे तब निकालूंगा। अब निकलते मैच देखेंगे घर पे। 5 hours later घर पे आने के बाद मैच देखा, चेन्नई और मुंबई का मैच था। आज मुंबई इंडियंस हार गए, मतलब इस सीजन दोनों बार चेन्नई से हार गए। दिल से बुरा लगता है भाई। तो शायद 9 तारीख को RCB से मैच है, तो देखेंगे वो। और अभी भी शाम को देखना है RCB का मैच है। और एक बात, अपने जो मैसूर में जो रह गए थे बाकी के दोस्त रिटेस्ट वाले, तो वो सब आज मतलब आज लास्ट दिन है, आज सब आ गए होंगे। बहुत से लोग पुणे में पहुंच गए हैं, उधर 2 दिन से रह भी रहे हैं। और जो बच्चे कुचे वो आज कल आ जाएंगे। कुछ लोग की दोपहर की फ्लाइट है कल की, और रात की भी है बहुत जन की, तो कल से वो पुणे में आ जाएंगे। लेकिन हम 21 को जाने वाले पुणे को। मैच देखने के अलावा कुछ काम तो नहीं है, RCB दिल्ली का मैच है। तो देखते हैं मैच और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।